होती है, बद्रीनाथ हाईवे पे ही है, तो इतनी भाई साहब भर के ट्रैफिक है। रात को 3 बजे करीब हम आए थे, तो इस रोड पे भी जाम लगा हुआ था, पुलिस वाले जाम खड़ी करवा रहे थे। सोच समझ के आओ, जल्दबाजी करो मत आने में, बहुत टाइम है, 4 धाम में तो खुला है दिवाली। और पीछे ले, और पीछे ले, थोड़ी सी और पीछे रुक जा, आवाज आ जाएगी, रुक जा, चल चल और चल और चल, बस अबे तेरी। अंता जी ना के आ रहे, वो दिखा रहा हूँ आपको, रुको। ये अरे अंता जी पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे, आगे जाके कुछ कर चले जाए। फिर बोले बेटा मैं तरीदार पहुंच। शिव गंगा नारायण। बेहद ही खूबसूरत, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत एक गुड मॉर्निंग। हम जो है ऋषिकेश में हैं, जैसे कि आपने देख ही रहे हो हमारे ब्लॉग को, घर पे अभी बस उठाई हूँ मैं, हाथ मुँह धोए हैं, इतना गर्मी भी ज़्यादा नहीं है और धूप भी निकली हुई है, तो गर्मी तो ज़्यादा नहीं है, दोपहर को हो सकता गर्म हो जाए मौसम। सब इतनी गर्मी में गंगा में नहाने का आनंद ही कुछ और है, तो इस बार गंगा स्नान करेंगे त्रिवेणी घाट जाकर, उसके बाद जैसे 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 जो भी करते रहेंगे वो सब आपको बताते रहेंगे। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है यार तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, व्यूज़ ले रहे हो, सब्सक्राइब भी करता हो यार। तो घूमते हुए भी आपको घुमा रहा हूँ, आप उधर बैठे घूम रहे हो मेरे साथ, और अभी यहाँ पर ना जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो उसको दबा के, तो पैसे थोड़ा लग रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता दूँ, मतलब इतना रश है इस टाइम ऋषिकेश में, मतलब आज कल संडे या सैटरडे है, तो वीकेंड पे तो वैसे ही होता है, 4 धाम की वजह से तो इतना रश है। जो हमारा होटल है ना ये, तो ये बद्रीनाथ हाईवे पे ही है, तो इतनी भाई साहब भर के ट्रैफिक था। रात को 3 बजे करीब हम आए थे, तो इस रोड पे भी जाम लगा हुआ था, पुलिस वाले जाम खड़ी करवा रहे थे। मतलब 3 बजे रात को, लिटरली 3 बजे कहाँ जाम होता है यार, 3 बजे भी इस मेन हाईवे पे, बद्रीनाथ वाला जो हाईवे है, जो न्यू वाटरफॉल वा रहा है, उस पर पूरी तरीके से जाम था। तो ये इतना बुरा हाल है आपका, ऐसा सोच समझ के आओ, जल्दबाजी करो मत आने में, बहुत टाइम है, 4 धाम में तो खुला है दिवाली तक, आराम से करो दर्शन। 1 hour later तो 8 बजे का हो चुका समय, अब निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, देखते हैं क्या क्या होता है मेन्यू के अंदर, बताता हूँ जो भी उनको देख, जो भी खाने को मिलेगा बढ़िया देखा। ये हैंडमेड पेंटिंग है, देखिए वाली, ये वही वाली पेंटिंग है जो तू बोल रहा था वीडियो में। अच्छा, बीटल्स की ये चार बीटल्स हैं। ये हाँ, अरे बीटल्स का ये 4 बीटल्स की हो गई, बीटल्स का जो ग्रुप नहीं था 84 कुटिया वाला वो है। तो अब करते हुए ब्रेकफास्ट,
हमारा हो गया डन और अब जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए। तो भैया निकल चुके हैं त्रिवेणी घाट के लिए नहाने की ओर, और देखो राफ्टिंग की कितनी भरमार हो रखी है यहाँ पे, एक एक गाड़ी हर दूसरे नंबर की गाड़ी आपको राफ्ट बोट ले जाती दिख जाएगी। सो गाइस यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इन वेकेशंस पे अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कृपया करके सैटरडे या संडे को तो अवॉइड करें, क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं हम जाम में फंसे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग आए और आपका सारा वेकेशन जाम में ही ख़त्म हो जाए, तो सैटरडे संडे छोड़ के आप कभी भी आ सकते हैं। A few moments later. पहुंच गए जी त्रिवेणी घाट, अब गाड़ी लगाकर ये सामने त्रिवेणी घाट है। और पीछे ले थोड़ी सी और पीछे, और रुक जा, आवाज आ जाएगी, रुक जा, चल चल और चल और चल बस। अबे तेरी थोड़ा सा छोड़ दे। हर हर गंगे नमामि गंगे, भाई सब जमीन गर्म हो रही है, जो तो तारी गलती नहीं कर दी क्या? इसी घाट पे तो नहाते थे हम, ये भोलेनाथ जी की हेमांश याद रखो, ये पानी आया तक आ गया था अभी जब वो आई थी, कांगे लोग भाव अच्छा है गंगा जी का। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, सदियों से भारत को शीश की आई। आजा इसमें मत डालो, फोन पे ना चले जाए। आप बहुत अच्छा है सही बता रहा हूँ, अंकल जी ना के आ रहे वो दिखा रहा हूँ आपको, रुको। ये अंकल जी फुल तुर्रम खा हो रहे भाई साहब। अरे अंकल जी पकड़ लेंगे आगे जाके कुछ कर चले जाए, फिर बोले बेटा मैं तरीदार पहुंच गया। शिव गंगा नाए, हर हर गंगे भाई तू पकड़ जा, दोनों डुबकी वही मारने दे। हर हर गंगे जय गंगा मैया की जय। तो दोस्तों यहाँ कहाँ जरूरत है किसी को एक बड़े से वाटर पार्क की, जब ऊपर वाले की बनाई गई कुदरत ही हम लोगों को इतना बेहतरीन अनुभव करा देती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये है अपनी गंगा माँ, बहुत भाव बेहतरीन था भैया, आज मजा आ गया। जय गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, त्रिवेणी घाट की जय, हर हर महादेव, जय शिवा के बिहारी लाल की जय। मैं आशा करता हूँ कि हर एक बंदा निष्ठा से, एक पवित्रता से गंगा माँ से संबंध बना के रखेगा, क्योंकि गंगा माँ ही है जो पूरे भारत को सींचती है। इस गंगा के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, ये भारत को चलाने वाली पूरे भारत की माँ है। गर्व है भारत के ऊपर जो इतनी बेहतरीन नदी मेरे भारत में बहती है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, बोलिए गंगा माता की जय, जय जय गंगा। तो बढ़ते अब आगे नीलकंठ की ओर। भाई साहब ऐसी बात है, सुविधा तो उन लोगों ने अच्छी कर रखी है, सही बताऊँ तो सुविधा अच्छी है लेडीजों के लिए, बाकायदा उन्होंने अलग टेंट वगैरह से अलग रूम सा बना रखा है वहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए,
रश जितना हर की पौड़ी पे रश होता है उससे तो बहुत कम रश है सही बताऊँ यहाँ पे ना। और मतलब पवित्रता भी यहाँ पे ज़्यादा है, पवित्रता इन सेंस वहाँ जाके थोड़ा थोड़ा गंदा आना स्टार्ट हो जाता है सब कुछ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर है पानी, बहुत ज़्यादा। ओम नमः शिवाय।